ये है गौरी और इसका नाम रखा है बिजली। और इस छोटी सी बच्ची का नाम आप बताइएगा कि इसका नाम क्या रखेंगे। इसका नाम चुटकी रखेंगे। नहीं, चुटकी चाहे मेघा बोलू क्या? मैं दौड़ती रहती है, एक मिनट भी लिखती है। बात तो सही है। तो अभी बिजली को नहा रहे हैं गर्म पानी से, बिजली को करंट से नहा रहे हैं। मेरे को ठीक है, मान लो ठीक बात। तो अभी गौरी को नहा रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा पेड़ है इसे कहते हैं हम छुरो, और ये जो वहां है इसे कहते हैं, मम्मी ये क्या है? सफेदा। हाँ ये सफेदा है। और ये है सुन्नी, और इसके पत्ते आंवले के जैसे होते हैं। और देखते हैं यहाँ कहीं खीरा तो नहीं लगा है। खीरे को हम अपनी भाषा में कहते हैं काकड़ी। तो देखते हैं काकड़ी लगी है कि नहीं। मेरे शायद मेरे आइडिया से तो यहाँ है। ये देखिए, ये है काकड़ी। मम्मी मम्मी, ये है हमारा, ये हमारी फर्स्ट वो है, इस बेल की फर्स्ट काकड़ी है, यानी फर्स्ट फल है। तो तोड़ देती हूँ मैं इसको, तो टूटती नहीं। टूट गई, चली गई थी नीचे को। तू आया ही सब कुछ, कुत्ता भी है तू। यहाँ भी तीनों बड़े पापा काटू बोल लो, काटू है तू। वो तेरी आ चाबे करी ना दे रहा है। ले ले ले। ओ तेरी तेरी, ये नहीं चुचनिया मामा, चुचनिया ये देखा पुगला रु तेरी मुन्ने माने तो ये तो बोलनी तो ना हो तो ये दे खेले रे भाई खेले रे वाओ वाओ वा पुगलो ही बोलो ये नया हटो हटो गाय की टांगों में ना बहुत चिकट जम गया था, इसलिए अब इसे साफ कर रहे हैं हम। बहुत क्लिप्ती गाय है ये, बारिश की वजह से जब बारिश थी ना एक दो दिन, तो बाहर नहीं बांधे हमने पशु यानी गाय दोनों, तो इनके पाँव में यानी टांगों में वो चिकट जम गया था, इसलिए अब साफ कर रहे हैं हम। चलो करे सिंपल देखा ट्रक की निकला ट्रालम
जो वहाँ की डलुओं को भी बोया था वो हमने यहाँ पे पीस ली है, और यहाँ पर हमारे आलू जो है उबल चुके हैं, और यहाँ पर हमारे चने भी बिल्कुल से अच्छे वाले उबल चुके हैं, और ये हमारे चने का पानी है, और हम आलू को छीलेंगे। यहाँ पर जो है माता जी ने इस ये महादेव का जो पेस्ट बनाया है इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, ये राधे में नमक और ये राधे में मसाले और ये राधे हल्दी और ये राधे पीसी हुई लाल मिर्च। और ये काट दी हमने इसमें एक हरी मिर्च, और साथ में ये देखिए ये जो हमने चने उबाल के रखे हैं हम इसको थोड़े से पीस लेते हैं, मतलब कि कूट लेते हैं। तेरे ये कहते हैं हमको मैं दे जमा और ये जो हमने इन चनों को कूट लिया है इसी तरह से हम अब इन सभी चनों को थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। हो गया ना अब ये और जो है हमारे चावल पक चुके हैं। और हमने ये कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड में सरसों का तेल, और हम तो ले जाएंगे यार क्या यार क्या बात है ना करते थे यार एड़े पांच किलो के और यहाँ पर अब हमारा ये लास्ट प्रॉ ये भी पक्के तैयार हो गया। और यहाँ पर माता जी ने कुकर छोड़ दिया चूल्हे पर, और ये आप ये डाल दिया इन्होंने सूखा धनिया, ये डाल दी मिर्च, हल्दी और हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे हैं कि ये इन्होंने लहसुन और प्याज नहीं डाला तो ये श्राद्ध की रोटी बनाई जा रही है तो इसमें लहसुन और प्याज वर्जित होता है। अब जो है हमारा तड़का पक चुका है और ये डाल दिया अमचूर, हमने अमचूर के 3 चम्मच को पानी में भिगो के रखा था, अब ये हमने तड़के में ऐड कर लिया। अब हम मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू
और ये साथ में डाल दिए हमने कूटे हुए चने। अब इन आलू और चनों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने तड़के के साथ आलू और चने को मिक्स कर लिया और ये हमने उबाला हुआ पानी के साथ चने का उसको इसमें ऐड कर लिया। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। और ये हमने अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक भी ऐड कर लिया क्योंकि हमने इसमें नमक पहले नहीं डाला था। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी देर के लिए हम 5 या 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सीटी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो आलू और चने हैं वो पहले ही उबल चुके हैं। दे तुम बस ठीक है।